हाँ जी, ये वही खाद है जिससे आपका मनी प्लांट हो जाएगा हरा भरा और बुशी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? मेरा चैनल ब्यूटी ऑफ नेचर पे आप सबका स्वागत है। और आज मैं बात करने वाली हूँ मनी प्लांट की ग्रोथ के बारे में। ये मेरा मनी प्लांट है जो बाहर लगा हुआ है, जो दरवाजे के पास लगा हुआ है। ये यही मनी प्लांट है जो सब घरों में रहता है, गोल्डन मनी प्लांट। देखिए इसके लीव्स कितने प्यारे, इतने ग्रीन और इतने ग्लोजी और इतने शाइन कर रहे हैं। इसका सीक्रेट मैं आपको बताऊंगी। ये मेरा मनी प्लांट बाहर लगा हुआ है और दो मनी प्लांट है मेरे पास जो बुशी तरह से बने हुए हैं, जो घर के अंदर लगे हुए हैं और इसी की कटिंग्स मैंने लगाए हैं। ये मदर मनी प्लांट है। ये देखिए इसके लीव्स कितने बड़े बड़े हो गए हैं और साइड ब्रांचेस भी लग गए हैं इसमें। ये रेनी सीजन है, ग्रोइंग सीजन है, आप इसकी कटिंग्स भी लगा सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से ये ग्रो हो जाएगा। ये देखिए मेरा मनी प्लांट जो के इतना शाइन कर रहा है, इसका सीक्रेट मैं आपको बताऊं कि बाद में। पहले मेरा ये मनी प्लांट देख लीजिए, इसमें कोई भी खराब पत्ते नहीं हैं। जो अगर खराब पत्ते लग गए हैं, येलो हो रहे हैं, उसको मैंने निकाल दिया है। ये मेरा सेकेंड प्लांट है जो मैंने घर के अंदर रखी हुई हूँ, जिसको मैंने DIY से तैयार भी किया हुआ है। मामूली मनी प्लांट है और मैंने उसको जूट रोप से तैयार किया है। यहाँ पर देखिए इसके लीव्स चेंज हुए हैं, क्योंकि इसको मैंने बहुत ज़्यादा धूप में रख दिया था, ये इस लीव्स को, सिर्फ इस लीव्स को, और मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया है क्योंकि अच्छे लगेंगे, कुछ अलग से लीव्स भी निकलेंगे। आप उसको कहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, कहाँ पे रख रहे हैं, ये भी आपको देखना पड़ेगा, और इसी के तरीके से आपके लीव्स भी होंगे। यहाँ पर देखिए इतने प्यारे, इतने ग्लोजी, मुझे इतना अट्रैक्ट करते हैं ये, और मैं उसको वाइन की तरह छोड़ूंगी घर में। बहुत ही क्यूट से बहुत ही प्यारा लगेगा। ये है मेरा मनी प्लांट। इसको पानी की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं होती है, इसके लीफ से पता चल जाता है जितना आपको कितना पानी देना चाहिए। अगर मैं कहूँ तो मैं वीकली वंस ही पानी देती हूँ। ये मेरा सेकेंड पॉट है जो घर में लगा हुआ है, जो घर के अंदर मैंने बुशी टाइप बना हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं मैंने हल्दी पाउडर डाला हुआ है, क्योंकि अभी तो रेनी सीजन स्टार्ट हो गया है, फंगस लगने के चांसेस भी है, तो सभी मैंने प्लांटर्स में हल्दी पाउडर थोड़ा थोड़ा छिनका हुआ है। आप भी ऐसा कर सकते हो। ये गोल्डन मनी प्लांट और इतना प्यारा और इतने प्यारे लीव्स देखिए। इसको सनलाइट की भी ज़रूरत नहीं है, आप कुछ भी सनलाइट थोड़ा सा भी मत दीजिए। ये देखिए इतना प्यारा लग रहा है। आप इसको वाटर वीकली वंस दीजिए, आपको वीकली वंस ही देना पड़ेगा, और साइल टच करके देख के दीजिए। मैं तो वीकली वंस देती हूँ। ये देखिए न्यू ग्रोथ भी कर रहा है, मैंने यहाँ से कट किया हुआ था, इसकी कटिंग्स भी दिखाती हूँ। इसी की कटिंग है वो, इतने बड़े लीव्स हो गए हैं उसके जो मैंने घर में रखा हुआ है। देखिए ये है उसकी कटिंग, को कट करके मैंने यहाँ पे लगा दिया है घर के अंदर। बहुत ही प्यारा लगता है। ये देखिए इतने बड़े लीव्स का सीक्रेट एक ही है कि उसको पानी कम दीजिए और आप सनलाइट मत, बिल्कुल ही मत दीजिए, मतलब इनडायरेक्ट सनलाइट दीजिए जिससे वो खिला हुआ हो। अगर आपके घर में सनलाइट नहीं है, ये देखिए मैंने यहाँ पे LED लाइट लगा हुआ है जो मैं ऑन करे रहती हूँ हमेशा के लिए। ये देखिए इतने छोटे लीव्स, देखिए इतने छोटे लीव्स और इतने बड़े लीव्स एक ही प्लांट से हुए हैं, और चेंजेस देखिए इतना अच्छा। ये घर के अंदर है, इसमें मैंने पानी वीकली वंस ही देती हूँ, सनलाइट नहीं देती हूँ। ये मैंने पानी में उगाया हुआ है कटिंग्स जो घर पे अंदर रहता है ऐसे ही। ये देखिए लीव्स उसके छोटे, कितने छोटे हैं, कितने प्यारे हैं लीव्स। इसको मैंने पानी में बहुत दिनों से लगाया हुआ है, इसमें मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ, सिर्फ वाटर है। और अगर आपके पास रेन हो रहा है तो अभी तो रेन हो रहा है, रेन वाटर डाल सकते हैं आप, इसको रेन वाटर में लगा सकते हैं। वीकली वंस आप चेंज कर दीजिए वाटर को, और इसकी ग्रोथ देखिए वाटर में बहुत ही प्यारी लगती है। बहुत ही स्लो है बट बहुत क्यूट लगता है घर के अंदर ऐसे लगाने से। हाँ, इसका मैं और बताने वाली थी फर्टिलाइज़र के बारे में। फर्टिलाइज़र तो मैं केमिकल फर्टिलाइज़र कुछ भी यूज़ तो नहीं करती हूँ, होममेड फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ मैं।
यहाँ पे इसका रूट सिस्टम देख लीजिए, इतना ज़्यादा है। मैं इसको दीवार पे चढ़ाने वाली हूँ, तो यहाँ पे रूट्स देखिए इतने बड़े बड़े उतने मोटे हैं। यही कारण है, इसलिए ही इतना प्यारा और इतना बुशी और इतना बड़े लीव्स होते हैं। ये और एक है मेरा पास जो मैंने ऊपर दीवार पे चढ़ाया हुआ है, इसमें भी पानी में डाल के ऐसे ही लटका दिए हूँ मैं। इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत घर पे लगता है, सबके घर में रहता है मनी प्लांट। और एक छोटा पॉट मैंने तैयार किया हुआ था, इसकी भी ग्रोथ हो रही है अभी। हाँ, इसका मैंने आपको बताने वाली थी कि इसकी फर्टिलाइज़र क्या यूज़ करें। तो आपको फर्टिलाइज़र वंथली वंस यूज करना पड़ेगा, होममेड फर्टिलाइजर ही है ये। आप हो ना तो वेजिटेबल्स को पानी में डुबोकर भिगोकर पानी डाल सकते हैं इसके लिए। आपको रेन वाटर भी डालना पड़ेगा, रेन वाटर अगर रेन्स चल रहे हैं तो रेन वाटर में रख दीजिए। और ये है देखिए मेरा सीक्रेट ऑफ ग्रोथ, ये है यूज किए हुए चाय की पत्ती जो मैं उसमें डाल देती हूँ सुखाकर। आपको उसको धोकर अच्छे तरह से वॉश करके बाहर धूप में सुखा देना है इसको। ये देखिए थोड़ी थोड़ी ऐसे ही डाल देती हूँ मैं, ये 15 डेज वंस करती हूँ। ये आपको ऐसे ही डाल देना है और देखिए इसका रिजल्ट आपको 1 मंथ के अंदर आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसके लीव्स ऐसे ग्लोजी होना स्टार्ट हो जाएंगे। लीव्स का कारण यही है और इसकी ग्रोथ का भी कारण यही है। अगर आपको ये वीडियो और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। मेरा मनी प्लांट पसंद है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, न्यू हूँ मैं चैनल में। और आपको ऐसे मिस्ट करते रहना पड़ेगा, मैं तो डेली करती हूँ मिस्ट और अपने लीव्स को क्लीन करते रहती हूँ। ये देखिए इतने प्यारे लगते हैं मिस्ट करने के बाद। आपको ह्यूमिडिटी क्रिएट करना पड़ेगा अपने घर पर, और इसको 15 डेज वंस बाहर, अगर घर के अंदर रखे हुए तो बाहर लेके आइए, थोड़ा सा लाइट दिखाइए, और इतना प्यारा इतना प्यारा इतना हेल्थी ग्रो होगा कि आपको रोकना पड़ेगा इसकी ग्रोथ को कट करते करते। अच्छा, मैं चलती हूँ। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। थोड़ी सी शुरुआत करी हूँ मैं। बाय एवरीवन, टेक केयर, स्टे ब्यूटी, स्टे हेल्थ।